स्वागत है आपका आईपीएल 2020 से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आईपीएल 2020 को लेकर हम तरह तरह की टॉपिक्स पर वीडियोस बना रहे हैं और यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं सभी टीमों के स्क्वाड के बारे में। जहाँ पर सभी टीमों के स्क्वाड के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से खिलाड़ियों को वो रिलीज कर सकते हैं, कौन कौन से नए खिलाड़ियों को कौन कौन सी टीम जो है वो खरीद सकती है, सारी बातें जो है हम करने वाले हैं। और सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग की। पहली वीडियो हमारी चेन्नई सुपर किंग के ऊपर होने वाली है, जहां पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से खिलाड़ियों को चेन्नई सुपर किंग की टीम खरीद सकती है, कौन कौन से खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है और किस तरह का स्क्वाड जो है वो है चेन्नई सुपर किंग की टीम का। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी। तो अगर आप भी हैं आईपीएल के फैन तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और आपको क्या लग रहा है आईपीएल 2020 में कहां तक जाएगी चेन्नई सुपर किंग की टीम, क्या फाइनल फिर से जीत पाएगी? आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। दोस्तों बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग की टीम की। तो 2019 के सीजन की अगर बात करें तो इन्होंने ज्यादा चेंजेस अपने स्क्वाड में नहीं किए थे एज कंपेयर टू 2018। लेकिन आईपीएल 2019 के बाद इन्होंने एक चीज क्लियर करी थी कि आईपीएल 2020 में ये काफी सारे चेंजेस जो हैं वो करने वाले हैं। तो ऐसा ही अज्यूम कर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके कैप्टन की। तो कैप्टन तो बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, MS धोनी आईपीएल 2020 में भी चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं। ये चीज बिल्कुल कंफर्म कर दी है चेन्नई सुपर किंग की टीम ने। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैट्समैन की। तो इनके स्क्वाड में कौन कौन से बैट्समैन इस समय हैं? तो यहाँ पर सुरेश रैना है, फाफ डुप्लेसिस है, सेन वॉटसन, केदार जाधव, मुरली विजय, ध्रुव शौरी, चैतन्य बिश्नोई है, ऋतुराज गायकवाड़ है, सैम बिलिंग्स, अंबती रायडू और एन जगदीशन। इतने सारे बैट्समैन जो है यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग के स्क्वाड में है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इनमें से कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटेन करेगी चेन्नई सुपर किंग की टीम। तो यहाँ पर सुरेश रैना रिटेन होते हुए दिखाई देंगे, फाफ डुप्लेसिस रिटेन होंगे, सेन वॉटसन दोबारा से इस टीम में दिखाई देंगे, सैम बिलिंग्स, अंबती रायडू और एन जगदीशन, ये प्लेयर जो है वो कंफर्म नाम है जो कि दोबारा से रिटेन होने वाले हैं। इनके अलावा दोस्तों बात करें तो मुरली विजय जो है वो हो सकते हैं रिलीज। केदार जाधव के ऊपर जो है वो काफी बड़ा सस्पेंस होगा क्योंकि इनका प्राइस जो है वो काफी ज्यादा है और इनका परफॉर्मेंस जो है वो काफी लो रहा था आईपीएल 2019 में। इनके अलावा दोस्तों अगर ये कुछ नए खिलाड़ियों को खरीदना चाहते हैं, युवा खिलाड़ियों को खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर ध्रुव शौर्य, चैतन्य बिश्नोई और ऋतुराज गायकवाड़ जो है इनको रिलीज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग की टीम। तो ये है दोस्तों बैट्समैन का हाल। अब बात करते हैं उन बैट्समैन की जिनको ये ऑक्शन में जो है वो ला सकते हैं अपनी टीम में। तो यहाँ पर दोस्तों दो बैट्समैन के ऊपर बहुत ही तगड़ी निगाहें होंगी चेन्नई सुपर किंग की टीम की और वो दो बैट्समैन होंगे जेसन रॉय और एरन फिंच। इनमें से किन्हीं एक को तो जरूर खरीदना चाहेगी चेन्नई सुपर किंग की टीम क्योंकि लास्ट ईयर इनकी ओपनिंग उतनी अच्छी नहीं हुई थी। ऐसे में यहाँ पर अगर जेसन रॉय और एरन फिंच में से कोई एक प्लेयर इनको मिल जाता है तो काफी अच्छा इनका ओपन जो है वो हमें दिखाई देने वाला है। इनके अलावा अगर ये केदार जाधव को रिलीज करते हैं तो ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर इनकी निगाहें हो सकती हैं क्योंकि केदार जाधव की वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा है और यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर वो पैसे जो है खर्च किए जा सकते हैं। तो ये बात हुई दोस्तों बैट्समैन की। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर्स की। तो ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो ड्वेन ब्रावो, रविंदर जडेजा, मिचेल सेंटनर, स्कॉट कगलिजन, मोनू कुमार, डेविड विली, ये सारे ऑलराउंडर जो है चेन्नई सुपर किंग के स्क्वाड में इस समय अवेलेबल है। जिनमें से बात करें अगर रिटेन किसे करेगी चेन्नई सुपर किंग की टीम तो ड्वेन ब्रावो कंफर्म रिटेन होंगे, रविंदर जडेजा और सेंटनर, ये तीन प्लेयर जो है वो कंफर्म से रिटेन होने वाले हैं। यहां पर दोस्तों स्कॉट कगलिजन जो है वो बाहर जाते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं क्योंकि इनको लुंगी एंगडी के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम लेकर आई थी लेकिन पक्का से इन्हें रिलीज करने वाली है। इनके अलावा डेविड विली की अगर बात करें तो 2 करोड़ रुपए इनकी प्राइस थी, लास्ट ईयर ये फैमिली रीजन की वजह से नहीं खेले। दोस्तों इनके फॉर्म की अगर बात करें तो उतना अच्छा इनका फॉर्म भी नहीं चल रहा, ऐसे में इन्हें भी जो है रिलीज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग की टीम। इनके अलावा मोनू कुमार के ऊपर भी सस्पेंस रहेगा कि इन्हें रिटेन करती है या फिर करती है रिलीज। तो ये बात हुई ऑलराउंडर्स की। बात करें कौन से ऑलराउंडर्स के ऊपर इनकी निगाहें होंगी आईपीएल 2020 के ऑक्शन में, तो इनकी निगाहें जो है वो होने वाली है डेविड विली की जगह पर जिम्मी नीशम के ऊपर। अगर ये टीम डेविड विली को रिलीज करती है तो जिम्मी नीशम उनके बहुत ही तगड़े रिप्लेसमेंट हो सकते हैं जिनको चेन्नई सुपर किंग की टीम जो है वो खरीद सकती है, लोअर ऑर्डर को काफी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं जिम्मी नीशम। इनके अलावा दोस्तों शिवम दुबे अगर रिलीज करती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम तो उनको भी जरूर से खरीदना चाहेगी चेन्नई सुपर किंग की टीम। बात हुई दोस्तों ऑलराउंडर्स की। अब बात करते हैं स्पिनर्स की। स्पिनर्स की अगर बात करें तो इमरान ताहिर, करण शर्मा, हरभजन सिंह, तीन बड़े स्पिनर यहां पर इनके स्क्वाड में है जिनमें से इमरान ताहिर और हरभजन सिंह को तो पक्का रिटेन करने वाली है टीम। करण शर्मा को जो है वो कर सकती है रिलीज, बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि करण शर्मा जो है हमें बाहर जाते हुए दिखाई देंगे।
स्पिनर किन्हें खरीदना चाहेगी तो बहुत ही मुश्किल है कि किसी स्पिनर के ऊपर चेन्नई सुपर किंग की टीम की निगाहें हो, क्योंकि इनके पास स्पिनर जो है वो बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं। एंड में दोस्तों बात करते हैं फास्ट बोलर्स की, तो इनके पास दोस्तों लुंगी एंगडी हैं, दीपक चहर हैं, शार्दुल ठाकुर, केएम आसिफ और मोहित शर्मा, ये सारे फास्ट बॉलर जो हैं इनके स्क्वाड में मौजूद हैं। फास्ट बॉलिंग इनकी उतनी अच्छी नजर नहीं आती, थोड़ी सी वीक नजर आती है, और इसके ऊपर ये आईपीएल 2020 के ऑक्शन में काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिनमें से दोस्तों बात करें रिटेन किन किन को करेगी, तो लुंगी एंगडी पक्का रिटेन होंगे, दीपक चहर पक्का रिटेन होंगे, शार्दुल ठाकुर भी रिटेन होंगे। इनके अलावा दोस्तों मोहित शर्मा जो है वो पक्का से बाहर जाने वाले हैं, 5 करोड़ रुपए इनकी प्राइस थी और अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हुए नजर नहीं आए। इनके अलावा केएम आसिफ को भी जो है चेन्नई सुपर किंग की टीम रिलीज कर सकती है अगर इन्हें कोई और फास्ट बॉलर जो है वो खरीदना हो तो। बात करें दोस्तों कौन-कौन से फास्ट बॉलर्स के ऊपर इनकी निगाहें होंगी आईपीएल 2020 के ऑक्शन में, तो यहां पर क्योंकि ये टीम मोहित शर्मा को रिलीज करेगी तो जयदेव उनादकट के ऊपर इनकी निगाहें होने वाली है अगर ये आते हैं आईपीएल 2020 के ऑक्शन में तो। क्योंकि दोस्तों जयदेव उनादकट हमेशा से ही फेवरेट रहे हैं एमएस धोनी के, पिछले साल भी उन्हें खरीदना चाहती थी चेन्नई सुपर किंग की टीम लेकिन खरीद नहीं पाई थी, और इस साल भी अगर वो ऑक्शन में आते हैं तो उनके ऊपर जरूर बोली लगाएगी चेन्नई सुपर किंग की टीम। वहीं बात करें अगर फॉरेनर फास्ट बॉलर्स की, तो सेल्डन कॉटरेल, मैट हेनरी जैसे खिलाड़ी जो है काफी सस्ते में मिलने वाले हैं आईपीएल 2020 के ऑक्शन में, और ऐसे खिलाड़ियों को जो है चेन्नई सुपर किंग की टीम जरूर से खरीदती हुई नजर आएगी, जैसे उन्होंने लुंगी एंगडी को सिर्फ 50 लाख रुपए की प्राइस में खरीदा था। तो दोस्तों ये बात हुई चेन्नई सुपर किंग की, चेन्नई सुपर किंग के स्क्वाड की, जहां पर हमने बात करी पूरे स्क्वाड की, कौन कौन से प्लेयरों को ये टीम रिलीज कर सकती है, कौन कौन से प्लेयरों को जो है खरीद सकती है आईपीएल 2020 के ऑक्शन में। अब दोस्तों आपको क्या लग रहा है, कौन कौन से प्लेयरों को खरीदेगी चेन्नई सुपर किंग की टीम, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें, और क्या आईपीएल 2020 का टाइटल जीत पाएगी चेन्नई सुपर किंग की टीम, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। We'll be right back.